रासायनिक खेती जहर है जहर है जहर है। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम खेती से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं वृक्षों के महत्व के बारे में। वृक्ष का अपना एक अलग ही महत्व है, बिना वृक्ष के इंसानी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बड़ा सुंदर सा बैलेंस है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उसे पेड़ ग्रहण कर लेते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी बदौलत ही इंसान जिंदा रह सकता है। तो पेड़ हैं तो मनुष्य जीवन है। साथ ही साथ खेती में भी बड़ा महत्व है वृक्षों का। वृक्ष है तो सूक्ष्म पर्यावरण बना रहता है। वृक्ष नहीं तो सूक्ष्म पर्यावरण नहीं, पक्षी मित्र नहीं। दुश्मन कीट का खात्मा करने के लिए पक्षी मित्र कितनी सहायता करते हैं। तो वृक्षों का बहुत महत्व है, पर्यावरण का बहुत महत्व है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमार दिनेश रावत भाई जी। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के। थैंक यू। दोस्तों, दिनेश रावत भाई जी के बारे में आपको बता दूं कि देश के जाने माने बिजनेसमैन रहे हैं। 60 से भी अधिक देशों की यात्रा इन्होंने की है। पर्यावरण से जुड़े होने का जहां तक ताल्लुक है इनका, तो इन्हें ग्रीन मिरेकल मैन की उपाधि मिली हुई है। कोलकाता ग्रीन मॉल के ये फाउंडर रहे हैं, जहां पर 2500 से अधिक प्लांट्स हैं जो कि देश की किसी और नर्सरी में नहीं पाए जाते। दिनेश भाई जी ने दो पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें से ग्रीन योर सराउंडिंग एक ऐसी पुस्तक है जिसके लिए कहा जाता है कि ये तो हर घर में होनी चाहिए। भाई जी, आज हम पर्यावरण के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, वृक्षों के महत्व के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत बढ़िया जी। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि पर्यावरण का महत्व क्या है, इसको बचाना क्यों ज़रूरी है? देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का एक अंग है, क्योंकि मनुष्य जीवन ये प्रकृति ही है और पर्यावरण भी प्रकृति ही है। आज हम लोग ने प्रकृति के संग जो व्यवहार किया है, उसी का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। बारिश में बारिश नहीं होती है, जाड़े में पूरी ठंड नहीं पड़ती है, गर्मी के समय बहुत गर्मी हो जाती है जी। पारा जो है सब जगह 1 डिग्री 1.5 डिग्री 2 डिग्री बढ़ जा रहा है। तो पर्यावरण का तो मनुष्य जीवन के साथ सीधा संपर्क है जी, जी, जी। और इसमें वृक्ष तो सबसे बड़ी इसकी कड़ी है, यानी कि प्रकृति और मनुष्य, इसके बीच में वृक्ष एक बड़ी अच्छी कड़ी है, बहुत ज़रूरी कड़ी है। क्योंकि आज मनुष्य को जितनी चीज़ें चाहिए, लकड़ी हो, फल हो, फूल हो और पशु पक्षी हो, ये सारे वृक्ष देते हैं। दूसरा क्या है कि ये मिट्टी को जो पकड़ के रखते हैं, मिट्टी में एक प्रक्रिया होती है, ये इसकी जड़ें जब नीचे जाती हैं, एक एक वृक्ष की जड़ 25 फुट तक नीचे जाती है जी, जब जी। वो नीचे जाती है उसकी जड़ें, तो क्या होता है कि नीचे तक उसके पानी जाता है, आर्द्रता जाती है। और वृक्ष के जड़ों की खूबी होती है, जैसे चुंबक दूसरी चीज़ों को खींचता है, हाँ जी, वृक्ष की जड़ें पानी को खींचती हैं जी। तो इसकी वजह से क्या होता है, नीचे पानी रुकता है। ओके। और नीचे जब पानी रुकता है तो उस मिट्टी में बहुत सारे गुण आ जाते हैं। ओके। पानी का रिटेंशन बहुत अच्छा हो जाता है जी। फिर मिट्टी में जो हवा का आना जाना है, जिसको अंग्रेजी में एरिएशन बोलते हैं, एरिएशन बहुत बढ़िया हो जाता है।
और इससे जो हमको लकड़ी, फल, फूल मिलते हैं, इसके अलावा आज के दिन में लैंडस्केपिंग में इन वृक्षों का काफ़ी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी जी जी, आप बोलिएगा कि किसान का इसमें क्या पार्ट हो सकता है। हाँ जी, तो ऐसा है कि मैंने खुद प्रैक्टिकल में ट्रेनिंग लिया है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और थाईलैंड में। जी, वहाँ पे ये बड़ा प्रचलित है कि 30 फुट 25 फुट के पेड़, 30 फुट तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, हाँ जी, लेकिन वो लोग 60-60 फुट के बड़े पेड़, वो लोग उसकी जड़ों के चारों तरफ साइंटिफिकली इसका सिस्टम है जी कि कितनी दूर तक जड़ काटना है, जड़ को काट करके उसको करीब 3-4 महीने का जड़ों को क्योर होने का टाइम दे करके, हाँ जी, वृक्षों को उठा करके वो लोग दूसरी जगह लगा देते हैं, उसको लगा के नर्सरी में स्टोर करके रखते हैं बिक्री के लिए, ग्राहक आकर के बड़े बड़े पेड़ लेके जाते हैं। और ये सब वृक्ष जो हैं बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट में, लैंडस्केप में ये सब लगाए जाते हैं। जी, तो जब किसान लोग अगर ऐसे पेड़ लगाएं जो नर्सरी भी खरीद सके, तो इसमें वो लोग ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जो कि 5-6 साल में करीब 15-20 फुट हो जाते हैं। जी, तो नर्सरी वाले उसको खरीद लेंगे। ओके, उनको नर्सरी वालों से पूछना पड़ेगा कि भाई क्या पेड़ लगाएं, लेकिन मैं आपको बता दूं, नर्सरी वालों से पूछना ठीक है, वो लोग पूछ लें, लेकिन मैं खुद इस तरह के पेड़ खरीदता हूँ। जी जी जी, तो मेरे को मालूम है सारे पेड़ जो एल्स्टोनिया है, सप्तपर्णी है, या नीम है, बकुल है, सारे के सारे पेड़ आजकल लैंडस्केपिंग में चलते हैं। जी, इसके अलावा पाम्स, आज लैंडस्केपिंग में पाम्स की बहुत आवश्यकता है, तो पाम्स बड़े सहज में जो है उगाए जा सकते हैं। ओके, तो किसान भाई लोग जो हैं अपने खेत के चारों तरफ, अपने मकान के चारों तरफ, अपने रास्ते के दोनों तरफ, अपने तालाब के चारों तरफ, अपनी नहर के दोनों तरफ ये सब पेड़ लगा सकते हैं, और 4-5 साल में जब बड़े हो जाएंगे 15-20 फुट, तो इसको वो लोग काट के निकाल सकते हैं। भाई जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड और एक और देश का नाम लिया था आपने, अमेरिका में जाकर के ट्रेनिंग ली है जहाँ पर ये प्रचलन में है, मगर भारत में ये कितना अधिक प्रचलन में है? क्योंकि आपने बताया आप खरीदते हैं, मगर क्या ये और भी सामान्य रूप से प्रचलन में आ गया है कि बड़े पेड़ों को भी काटा जा सके और ख़रीदा जा सके? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया, ये प्रचलन में अभी भारत में इतना नहीं आया है। जी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी लोगों की यही सोच है कि छोटा सा पेड़ लगा दो, अपने आप बड़ा हो जाएगा 5-7 साल में, क्योंकि हम लोग पुस्तों से यही देखते चले आए हैं कि छोटा सा, लेकिन इसमें वो लोग ये नहीं सोचते कि जब हम छोटा सा एक चारा लगाते हैं, हाँ जी, उसको बड़े होने में कितना समय लगता है और उसमें कितने बचते हैं। साधारणतः हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग 100 लगाते हैं तो उसमें 5-10 बचते हैं। सर्वाइवल रेट इतना कम है, इतना कम होता है, क्योंकि कुछ मर जाते हैं, भेड़ बकरी खा लेते हैं, कुछ धूप के कारण, कुछ बारिश के कारण, तो उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको प्रोटेक्शन देना पड़ता है जी, उसके चारों तरफ मेड़ लगानी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, और उसको 3-4-5 साल तक सींचना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, उसकी जगह अगर किसी को बड़ा पेड़ मिल जाता है तो वो बड़ा पेड़ लगा। तो क्या है कि शहर में वो लोग बड़ा पेड़ लगाना चाहते हैं जी, लेकिन उनको बड़े पेड़ मिलते नहीं हैं जी जी, क्योंकि बड़े पेड़ कहाँ पे उगेंगे, शहर में तो उगेंगे नहीं, वो तो गांव में उगाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, ठीक, गांव में नहीं।
उगते हैं, क्योंकि गांव वालों को मालूम नहीं कि ये पेड़ बिक्री हो सकते हैं। हाँ, ये जानकारी का अभाव है कहीं ना कहीं। ये जानकारी का अभाव, अगर उनको, तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने शहर के आस, अपने खेत के आसपास जो भी शहर है वहाँ जाके पता करें नर्सरी में, क्योंकि आजकल लैंडस्केप में बहुत बड़े पेड़ों की आवश्यकता है। जी, एक बात और पूछना चाहूँगा भाई जी, कि क्या ये टेक्निक, ये तकनीक भारत में आ चुकी है? क्योंकि आपने ट्रेनिंग ली हुई है, आप ये क्रय विक्रय का कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है आसानी से कि किसान भाई आज पेड़ उगाएं, उसको 3-4 साल 5 साल उसको बड़ा करें, और फिर ये तकनीक भारत में आसानी से उपलब्ध है जिसकी, जिसके माध्यम से ये जो पेड़ यहाँ से निकाला जा सके और फिर ट्रांसप्लांटेशन भी किया जा सके? ऐसा है कि ये तकनीक भारत में इतनी प्रचलित नहीं है जी, लेकिन मैं सीख कर के आया हूँ। तो इसमें ऐसा होता है कि जो पेड़, मान लीजिए ये पेड़ का तना है, ये एक फुट चौड़ा है जी, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसकी पहले हम लोग को जड़ें काटनी पड़ेगी जी, क्योंकि जब उठाएंगे तो जड़ें काटनी पड़ेगी। तो जड़ें काटने का सिस्टम ये है कि पहले हमको देखना पड़ेगा कि इस पेड़ की जड़ कितनी नाजुक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेंसिटिव है, कितनी सेंसिटिव है जी, कितनी कटिंग ले सकती है कितनी कटिंग नहीं ले सकती है। तो मैं आपको एक साधारण नियम बता रहा हूँ कि हम लोग 50% जो है, मान लीजिए ये पेड़ का तना है तो आधा इसका हम लोग काट देते हैं, और वो तना से करीब 1 फुट दूर और करीब 1 फुट नीचे तक, 1 फुट 1.5 फुट पेड़ के ऊपर डिपेंड करता है, सब पेड़ तो एक जैसा नहीं होता है, तो उसको ऐसे काट देते हैं जड़ को, और फिर उसमें एक फंगस को रोकने के लिए कुछ फंगीसाइड लगा देते हैं। किसान भाइयों को फंगीसाइड का बड़ा अच्छा आइडिया है, फंगीसाइड लगा के उस पर एक पॉलीथीन लगा देते हैं, जो कि उसके बाद जो जड़ निकलेगी वो उसी पॉलीथीन के अंदर रहे, ठीक, और साइड से मिट्टी भर देते हैं, ठीक। अब हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने पेड़ की आधी जड़ को हम लोग ने क्षति दी है, उसको इंजर्ड किया है जी, ठीक है, पेड़ को शॉक लगा है, हमने उसको कवर कर दिया, उसकी मरहम पट्टी कर दी है, और अब जो है हम करीब आधा महीना से डेढ़ महीना तक उसको वैसे ही रहने देंगे जी, क्योंकि मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बारिश का मौसम है जी, तो 15 दिन में वो कटी हुई जड़ से नई जड़ निकलने लगती है, यानी कि उसकी मरहम पट्टी हो गई, उसमें जो इंजरी हुई थी वो ठीक हो गई। और अगर बारिश का मौसम नहीं है तो 45 दिन तक लग सकते हैं जी। उसके बाद जब वो हिस्सा ठीक हो गया तब हम लोग दूसरा आधा काटते हैं, यानी कि वो आधा तो ठीक हो गया, अब दूसरा आधा काटा, और अब हम उसको भी फिर वैसे ही लगा देते उसी तरीके से, और 10 दिन अगर हम चाहें, डिपेंड करता है पेड़ के ऊपर, नहीं तो उस समय भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पेड़ की आधी जड़ें ठीक हैं जी। तो हमने 100% काट लिया, और उसके बाद जो है उसकी नीचे की जड़ काटते हैं। तो क्या होता है, कई पेड़ों में एक टैप रूट होता है, टैप रूट जो है वो काफ़ी नीचे तक जाती है जी, तो टैप रूट हम डैमेज नहीं करें, लेकिन टैप रूट बहुत कम में होती है, ज़्यादातर में जड़ें ऊपर की तरफ होती है जी। तो इसके बाद जो है हम इसको निकाल करके इसको जैसे एक थैली में, जैसे शेड नेट होता है, शेड नेट आजकल बहुत प्रचलित है, तो शेड नेट से बांध सकते हैं और बांध करके इसको हम लोग नर्सरी में रख सकते हैं, और इसमें रोज पानी देते रहें, और इसके बाद जो है हम इसको कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, कहीं तो नर्सरी में पहले गया, फिर नर्सरी से हो सकता है दूसरी नर्सरी वाला खरीदे जी, जैसे दूसरी चीज़ों का होता है, फिर हो सकता है कोई लैंडस्केपर खरीदे, तो कमोडिटी हो गया और फिर कहीं भी बिक्री होगा। लेकिन मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि आज के दिन बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, आज के दिन
सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि खुशी की या दुख की जो भी बात बोल लीजिए कि बहुत ज़ोर से अर्बनाइजेशन हो रहा है, हर जगह के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बन रहे हैं, टाउनशिप बन रहे हैं, तो वो लोग तो छोटे पेड़ नहीं लगाना चाहते, वो लोग बड़े पेड़ लगाना चाहते हैं, लेकिन मिलें तब तो जी बिल्कुल। तो कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है किसान भाइयों के लिए। तो यहाँ हमें ये कारोबार शुरुआत करना होगा, हमें एक हिम्मत दिखानी होगी, हौसला दिखाना होगा और धीरे से शुरू करें, क्योंकि डिमांड है, बस सप्लाई नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, इसलिए कारोबार शुरू नहीं हो पा रहा, एक आकार नहीं ले पा रहा, आकार नहीं ले पा रहा है जी। दोस्तों सबसे पहले दिनेश भाई जी ने जो भी हमें वर्णन किया, आइए इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। वर्तमान परिवेश में जहां शहरों का निरंतर विस्तार होता जा रहा है, वहीं बड़े स्तर पर नई नई इमारतें, परिसरों, होटलों आदि का भी निर्माण होता जा रहा है। इसी के साथ ही सभी का रुख हरियाली की ओर भी बढ़ता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि उसके आसपास सुंदर वृक्ष हों, किंतु मनुष्य प्रत्येक चीज को तुरंत हासिल करना चाहता है। ऐसे में हर कोई अपने बगीचों में नन्हे पौधों की जगह बड़े बड़े पेड़ ही लगाना पसंद करता है। विज्ञान के इस युग में आज मनुष्य चाहे तो पूरा का पूरा पेड़ ही अपने आसपास लगा सकता है। इस विधि को वृक्ष प्रत्यारोपण या ट्री ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि कैसे एक परिपक्व वृक्ष को भी एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जो इसका व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें ऐसे पेड़ों का चयन करना चाहिए जो 5 वर्ष में 15 से 20 फीट लंबे हो जाते हैं, जैसे सप्तपर्णी, नीम, बकूल आदि। विभिन्न प्रकार के पाम वृक्षों की भी काफी मांग रहती है। वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए पेड़ की जड़ों को विधिपूर्वक काटना होता है। इसके लिए लोहे की बड़ी सब्बल काफी उपयोगी होती है, जिसके आगे काटने के लिए धारीधार सिरा हो। पेड़ की जड़ों को काटने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जड़ें कितनी नाजुक हैं और कितनी कटिंग ले सकती हैं। जड़ों को काटने के लिए सबसे पहले पेड़ के तने के चारों ओर एक घेरा बना लें। इस घेरे का आकार तने की चौड़ाई से दुगना होना चाहिए। फिर उस घेरे के आसपास मिट्टी को खोद कर निकाल दें और वृक्ष के आधे हिस्सों की जड़ों को सफाई से काटें, बाकी आधे हिस्से की जड़ों को कुछ न करें। जड़ों को काटने के बाद जड़ों को फंगस से बचाने के लिए फंगिसाइड का घोल लगाएं। इसके लिए 20 ग्राम फंगिसाइड को 1 लीटर पानी में घोलें, बाद में उसे जड़ों पर लगा दें। इसके बाद पेड़ की कटी हुई जड़ों को एक मोटे पॉलीथीन से कवर कर दें। इससे आगे जो भी जड़ें बढ़ेंगी वह पॉलीथीन के अंदर ही रहेंगी। पॉलीथीन से कवर करने के बाद उसके आसपास के गड्ढे को फिर से मिट्टी से भर दें। चूंकि हमने पेड़ को क्षति पहुंचाई है, इसलिए पेड़ को फिर से सामान्य अवस्था में आने के लिए हम उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। बारिश के मौसम में 15 दिनों में भी जड़ें आ जाती हैं, लेकिन अन्य मौसम में 45 दिन भी लग सकते हैं। 15 से 45 दिन के बाद पेड़ के दूसरे आधे हिस्सों की जड़ को भी काटकर फंगिसाइड लगाकर पॉलीथीन से ढक लें। इसके बाद हफ्ता 10 दिन रुककर पूरे पेड़ को जमीन से निकाल सकते हैं। इसके लिए पेड़ की बची हुई नीचे की जड़ों को भी काट दें। केवल ध्यान रहे कि जिन पेड़ों में टेप रूट हो उसे क्षति न पहुंचाएं। इस जड़ से कटे हुए वृक्ष को फिर एक बड़े मजबूत थैले में रखें या शेड नेट से बांध कर रख दें। इसके लिए 250 लीटर के यूवी स्टेबलाइज्ड एचडीपी बैग का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के बैग में वृक्ष को 10 वर्षों तक रखा जा सकता है। पेड़ को बैग में रखने के बाद कोकोपीट को मिट्टी में मिलाकर बैग में भर दें। इस वृक्ष को आप नर्सरी में रख सकते हैं, फिर कभी भी इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। भाई जी, एक सवाल मेरे मन में उठा है
जिस तरह से आपने बताया कि जब हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं उसकी सर्वाइवल रेट बहुत कम होती है, हालांकि आपने जो बताया कि बड़े पेड़ को पहले आधा जड़ काटना है, फिर उसको ट्रीटमेंट देना है 1-1.5 महीने तक, उसके बाद हमें बाकी आधा जड़ काटना है, फिर उसको ट्रीटमेंट देना है, और उसके कुछ दिनों बाद हम इस पेड़ को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मगर फिर भी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा एहतियात के तौर पर, क्या इन पेड़ों का सर्वाइवल रेट कितना होता है? मैं तो आप ही से पूछ लेता हूँ। मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, इस पेड़ों का सर्वाइवल रेट 90% होता है जी। अगर सब काम ठीक से किया जाए तो 100% होना बिल्कुल साइंटिफिक है। जी जी जी। 90% क्यों होता है, 90% क्यों होता है, क्योंकि हमारे आदमी लोग जब काम करते हैं जी, तो वो लोग कुछ लापरवाही करते हैं जी, उसकी वजह से 90% होता है जी। नहीं तो ये 100% होना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल साइंटिफिक वो कर रहे हैं जी। हम पेड़ को, पेड़ में आपने देखा होगा कि कई दफ़े चोट लग जाती है, कुल्हाड़ा लग जाता है, वहाँ से सफ़ेद रस वगैरह निकलने लगती है, गोंद, लेकिन आस्ते आस्ते वो ठीक हो जाता है। हाँ जी। क्योंकि जिस तरीके से हमारे शरीर में कोई चोट लगती है आस्ते आस्ते, तो इसी तरीके से हम लोग ने पेड़ में चोट दी और उसको मरहम पट्टी कर दी जी, तो ठीक हो गया। और जब नई जड़ निकल रही है तभी हम दूसरी जड़ काटते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक। तो ये तो सिद्ध हो गया कि पेड़ 50% जड़ पे रहा। हाँ जी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो जब पहली 50% ठीक हो गई तभी तो हमने दूसरी 50% काटा। तो सर्वाइवल रेट 100% होना चाहिए अगर काम ठीक से किया जाए, यदि सारी एहतियात बरते जाएं, सारी सावधानी से काम किया जाए तो पेड़ पूरी तरह से बच जाता है और फिर इजीली ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। तो ये बहुत कारगर बात आपने बताई है, बड़ा एक नई अपॉर्चुनिटी है, ये नए अवसर हैं जब हम छोटे छोटे पौधों को उगाने की बजाय अब हम बड़े पेड़ों का भी व्यापार हम कर सकते हैं, ख़ासतौर से किसान भाई, क्योंकि वो गाँव में रहते हैं और गाँव के आसपास पेड़ उगाने की बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, हम वृक्ष के महत्व के ऊपर चर्चा कर रहे थे और आज दिनेश रावत भाई जी, जो कि हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर हमें एक नई बात बताई है, एक नए कारोबार को शुरू करने की के लिए प्रोत्साहन दिया है, मैं तो यह कहूँगा। दिनेश भाई जी इंडियन बोटेनिकल गार्डन में कंसल्टेंट हैं, आज हमने इनके अनुभव का लाभ लिया। मैं आप सभी की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ भाई जी, कि आप अपना कीमती समय लेकर के आए और इतनी अच्छी नई अहम जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मेरे को आपने ये मौका दिया कि किसान भाइयों तक ये संवाद जाए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस विषय से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, वृक्ष का महत्व ये तो हमसे छुपा नहीं है। आज दुनिया में हर मनुष्य वृक्ष की छांव तो चाहता है लेकिन वृक्ष उगाना नहीं चाहता। अगर हम वृक्ष उगाने को एक कारोबार ले लें, ये हमारा कारोबार बन जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ जब जुड़ जाता है तो हम पर्यावरण को भी संरक्षित रख सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष उगा सकेंगे। एक बहुत अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता था वो भी अभी आपके साथ शेयर करता हूँ, कि दिनेश रावत भाई जी ने पर्यावरण के ऊपर खुद गीत लिखे भी हैं और गीतों की एल्बम भी बनवाई है। तो वृक्षों के महत्व पर आज के कार्यक्रम में चर्चा हुई। आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।